अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ फ्राइड चॉप्स। दिस इज़ वेरी इजी रेसिपी एंड वेरी वेरी यमी रेसिपी। इसके लिए आपने हाफ के जी ले लेनी है चॉप्स, ठीक है। हाफ के जी चॉप्स को हाफ कप आपने योगर्ट में डाल देना है, ठीक है। ये देखिए, इसी के साथ ये देखिए स्पाइसेस जो हैं, हाफ एंड क्वार्टर टीस्पून आपने सॉल्ट ले लेना है, ठीक है। 1 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर ले लेना है। 1/2 टीस्पून करियंडर पाउडर ले लेना है। 1/2 टीस्पून चाट मसाला ले लेना है। 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा लेके उसके छोटे छोटे आपने टुकड़े कर लेने हैं, ये देखिए, ठीक है। इसी के साथ 3 बड़ी इलायची ले लेनी है, 3 लौंग ले लेना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं, ठीक है। अच्छे से ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करके आपने 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना। ये चॉप्स गली हुई नहीं है, मैं इनको गलाऊंगी, ठीक है। आपने सिर्फ इसको अच्छे से वॉश कर लेना। इसको आपने वॉश कैसे करना है, पानी बॉयल होने के लिए रख देना है। जब पानी बॉयल हो जाए उसमें आपने चॉप्स डाल देनी है कुर्बानी की, ठीक है। जब उसको चॉप्स को एक बॉयल आ जाए, उसकी जाग ऊपर आ जाए, तो तब आपने इसको रिमूव करके ठंडे खुले पानी के साथ वॉश कर लेना। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ती हूँ, ओके। ये देखिए व्यूवर्स, 1 घंटा मैरिनेट रखने के बाद आपने कुकर में 1 ग्लास पानी डाल के इन चॉप्स को डालना है, ठीक है। योगर्ट भी साथ ही ऐड कर देनी है, सारा जो है साथ ही ऐड करके आपने इसको कुकर लगा के अच्छे से गला लेना है, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताऊँगी। ये देखिए व्यूअर्स, कुकर में मैंने इसको अच्छे से गला लिया है, ठीक है। आपका मटन जितना भी टाइम लेता है आपने उस हिसाब से उसको अच्छे से गला लेना है, ठीक है। जो योगर्ट का पानी होगा वो भी आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है, ठीक है। अब मैं इसको अंडा लगा के फ्राई करूँगी। ये बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत ईजी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली फॉर ईद रेसिपी है, ओके। यस व्यूअर्स, नाउ यू कैन सी मैंने अंडा लेके उसको फेंक लिया है, ठीक है। मैं अब जो है चॉप को इसमें अच्छे से अंडा जो है लगाऊंगी। ये देखिए अच्छे से अंडा लग गया, ठीक है। इसी के साथ ऑयल गरम कर लेना और आपने इसको फ्राई कर लेना है, ठीक है। चलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। अगर आप चाहें तो आप घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से फ्राई हो रहा है, ठीक है। मैं अब आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी। ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत ईजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए व्यूअर्स, इसकी फाइनल लुक, ठीक है। आपने इसको अंडा लगा के शैलो फ्राई कर लेना, बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।